हवेली का खाना अच्छा है। मैंने दो बार खाया मन्नत हवेली का। अच्छा चलो कभी मैंने चक्कर लगाएंगे तो आएंगे। रात का प्लान करके तो रात का ही तो है फिर आधी तो अरे मतलब रात को जाएंगे। One hour later. हम मूर्तल से तो निकल गए लेकिन रास्ते में सिंधु बॉर्डर पड़ता है और वहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा था तो उसकी वजह से ये बाईपास लेना पड़ा और रात में रोड पतला था और इस पर ट्रक भी चल रहे थे तो इस वजह से जाम बहुत ही ज़्यादा लंबा लगा हुआ था। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप रात में ना जाएं अगर मूर्तल जा रहे हैं तो, दिन का प्रेफर करें क्योंकि दिन में ये ट्रक्स वगैरह नहीं चलते और जाम काफ़ी लंबा था 4-5 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए। हम आगे जाके हमने देखा भी कि किस वजह से जाम हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हमें हैपनिंग तो नहीं हो गई है, बट कहीं कहीं गाड़ी वाले ऐसे बंद करके खड़े थे जहाँ पर जैसे कोई पिकनिक पे आए हुए हों। ये सब देखने के बाद फिर हमने सोचा कि कोई दूसरा रूट पकड़ते हैं, गूगल मैप से फिर वापस गए और फिर वहाँ पर भी बात तो सही है। एक मोटरसाइकिल सी तो आ रही है सामने से, गाड़ी आ रही है भाई। जाम से वो रहा सुदामा। करनाल बाईपास पे अब आए हैं और हमें लगभग कितना टाइम लग गया होगा? अब टाइम हो रहा है भाई रास्ता किधर से 1:30 बज रहे हैं और हम वहाँ से कितने बजे निकल लिए थे राहुल? वहाँ से निकल लिए थे हम 10:30। 10:30 और यहाँ भी 1:30 बज रहे हैं। 4 घंटे और टोटल रास्ता जो है 2 घंटे का था मैक्स। 2 घंटे में दिल्ली होती। ये रहे वो बैंकेट हॉल जिनकी मैं बात कर रहा था, आपको प्रॉमिस किया था मैंने पहले वीडियो में कि मैं दिखाऊंगा लौटते टाइम। यही है ना वो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। A little longer than a few minutes later. जो कहते हैं कि चलो कहीं लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं और ये ऐसे इनका लॉन्ग ट्रिप होता है, देख लो पीछे जाकर आराम से सो जाते हैं, ये इनका लॉन्ग ट्रिप है। चल भाई ठीक है चलते हैं भाई बाय संभाल के जाइयो। दो बज रहे अभी, हम यहाँ पार्किंग पे वापस आए हैं जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि राहुल को मैंने लिया था, राहुल के साथ हम गए थे और अब जा रहे हैं निकल के घर, फिर वहाँ पर सोएंगे। एक्सपेक्टेड ये था कि हम 10:30-11 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाते वापस, लेकिन जाम इतना हो गया, परेशान इतने हो गए कि अब जाके आए हैं। मैं तो रास्ते में सो भी नहीं आता, एक बार मुझे पता भी नहीं चला, मैं 15-20-25 मिनट की नींद भी हो गई बट बहुत ज़्यादा हालत खराब है। चलो
क्या बनाया आंटी जी खाने में? कुकर खोल के दी, अच्छा लगता है मुझे जो पहना बच्चों को कुकर खोल के दी। मैंने मोबाइल रखा है। अच्छा पनीर बना रहा है बेटा। अच्छा पनीर की सब्जी डालो। अरे वाह, ये भी प्यार से। हाँ ये भी प्यार से। हाँ मैंने क्या सोचा, मैं तो हर बार उसको दाल ही खिलाती हूँ प्रोटीन में, आज दाल ही बनाऊंगी। अच्छा बस। हाँ अभी तो हो दो मीठे तो खाने वाला। तो खाना हो गया रेडी, उधर अंकल जी पूजा कर रहे हैं, बाद में मिलता हूँ। दोस्तों अब वो चला है टाइम यहाँ से निकलने का, तो चलते हैं, मुझे जॉब पे भी निकलना है, सुबह हो रही है, तो मिलता हूँ आपसे। नमस्ते कर देता हूँ सबसे यहाँ पे। अभी तो वो आपकी जिला पंचायत के चुनाव के इसी तरह मेहनत करता रहा, तरक्की जरूर करेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। और सब्जी बहुत अच्छी थी आज की। पारस को आए हैं लेके आना। हाँ पारस को लेके आऊँगा। अगली बार अच्छा नहीं लगा, उसे लेके नहीं आया पारस को, वो निकल गया जल्दी, मैं वरना लेके आ जाता उसे यहाँ पे मिलवा देता। अंकल जी उधर बैठे हुए हैं, अगर आपको विजिबल हो तो। चलो चलो ठीक है आंटी जी, टाइम हो गया, चलते हैं। ये देखो कैसे पड़ा है। हाँ भाई क्या हो गया, कैसे गर्दन नीचे लटका रखी है। हेलो हेलो, गहरी नींद में सो रहा है, पता ही नहीं चल रही है कि क्या हो रहा है, गर्दन नीचे पड़ी है।